हम के किसी की वो बेटी लगा आटा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फोर और आप देख रहे हैं बिफोर न्यूज। तो फिलहाल दोस्तों लाइव जुड़ गए हैं करनाल तय करनाल के मिनी सेक्ट्रेट के ठीक सामने से, जहां पर पिछले चार दिन से आकर्षण उपल की रिहाई को लेकर के जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। और इसी धरना स्थल पर आज हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर देवेंद्र बलारा, जिन्होंने कोरोना काल में सरकार की नीतियों को या सरकार को जो है कटघरे में खड़ा कर दिया था। और आज फिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आपको रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर के आप सबके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। वो एक ऐसा मुद्दा है, उसमें ना सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि हर व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़ा हुआ है। इसका भी तो है। और वो मुद्दा है भाई अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, पैसों से जुड़ा हुआ, क्योंकि मौजूदा दौर में लोगों की कोरोना के बाद जो है आय पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा ही है, इसके विपरीत जो है बढ़ते कर्ज के चलते जो है लोग आत्महत्याएं करने पर मजबूर हैं। और बहुत सारे मामले जो है ग्रामीण आंचल से ऐसे निकल करके आ रहे हैं कि बच्चे जो है अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के अमेरिका जा रहे हैं, 20-20, 30-30, 50-50 लाख रुपए लगा करके। तो देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ है। जी देवेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। जी एक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा आप लोग रख रहे थे जब मैं पूछा, तो वो क्या कुछ पूरा मामला है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में जो है थोड़ा सा बता दो। वो मामला ये है भाई जी कि हमने बैंकों को एक सवाल किया था काफ़ी समय पहले जी। जब हमारे दिमाग में हमारा साथी है, मतलब हम नहीं हैं, हमारी टीम में ही है जनता सरकार मोर्चा में जी, उन्होंने एक सवाल किया था कि भाई जो ये रुपया है जी यूके है, तो कुछ लोग इसने तो रुपया माने, कुछ लोग है 100 रुपये हैं जी। फिर जो 100 रुपये हैं तो इसके ऊपर न्यू क्या दिल कराया कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो फिर यो आरबीआई को चिट्ठी लिखी, भाई रुपया क्या है नू बताओ ना, जब यू कागज था बता देवांगे प्रोमिसरी नोट, तो तुम वापस हमारे को क्या दोगे। तो वो था असल में आरबीआई का जो जवाब आया, और जो वहाँ से हमने दस्तावेज निकाले और जो सर्टिफाइड कॉपी निकाली वहाँ से निकल के ये आया ऑफिशियली कि 1 रुपये की जो कीमत है वह 777 मिलीग्राम सोने के बराबर है जी। और फिर हमने कहा कि फिर इसका मतलब यू रुपये में क्या तो नहीं आंदा फिर उतना सोना, जब मान लो उस माल से कहे तो फिर पता चलता है कि पहले वो इसलिए नहीं आता कि जो पहला जो नोट होता था आरबीआई का उसमें जो गवर्नर का जो ये जो एफिडेविट है ना, इसको एफिडेविट बोलते हैं, प्रॉमिस जो है ना, इस ये इन्होंने एफिडेविट को बदल दिया, तो अब ये रुपया जो है ये इलीगल रुपया हो गया है, अब ये लीगल नहीं है। आपको ध्यान हो 2016 में जब लॉकडाउन वो लग गया था, नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को, तो उस टाइम पे मोदी साहब ने एक बात कही थी कि भाई अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, 500 का नोट लगाएगा, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और अब नए नोट आएंगे। तो जब ये पता चला कि ये भी अब लीगली नहीं है वैलिड, तो ये तो उछाल रहे हैं, मान्यता है हमारी कि 100 रुपये हैं, असल में यू कागज का टुकड़ा है, कंधे पे रद्दी हो उसका है, अभी आप इसको बैंक में लेके जाओगे तो इसमें आपको बैंक जो है वो 100 रुपये के बराबर का सोना नहीं देगा, क्योंकि ये लीगल नहीं है, इसका गवर्नर के साइन चेंज है। हमारे पास वो नोट है जिसके ऊपर गवर्नर का वो पुराने वाला एफिडेविट है, तो जिसने ये एफिडेविट चेंज किया उसके भी जेल होगी, और जिसने इस रुपये में ट्रेडिंग करी है, जो गरीब मैं ये ले रहा हूँ ना, मेरी जेल होनी चाहिए असलियत में तो, कानूनी रूप से तो आप ले रहे हो तो आपके भी होनी चाहिए, जिस बैंक ने दिया हमारे रुपया उसकी भी होनी चाहिए। इसीलिए बैंक अब क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि रुपया तो धीरे धीरे बैंक में जमा कर दे जाओ, जो अगर 2000 का नोट मार्केट से खत्म हो लिया लगभग, अब बाकी के नोट भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, और आपको प्रमोट करेंगे कि आप ई कॉमर्स करो, आप अपने मोबाइल से यूपीआई से पेमेंट करो, बैंक में टिकट रोडवेज में टिकट लेनी हुआ भी इससे बोर्ड कटवाना तो सारा मोबाइल से कर दो इनका, मतलब डिजिटलाइजेशन का नारा दे, वो इसीलिए असलियत में अपने पाप छुपा रहे हैं असलियत में। तो हमने जब बैंकों को मंगाया तो भाई फंस जाएंगे या तो सारे बैंक फंसेंगे, तो इस चक्कर में जब निकाल के दिया तो फिर पता चला कि हम पूरे भारत को कर्ज मुक्त कर सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि जो बैंक में रुपया पड़ा है, अब मैं जो चेक काट के दे रहा हूँ, अगर मैं उसके अंदर एक चिट्ठी लिख दूँ कि ये जो मेरा चेक है ना ये लीगल रुपया मेरे खाते में तक काट लो,
क्योंकि मैंने जो आपसे ट्रेड किया था वो ये मानकर किया था कि आप मेरे साथ कोई गलत जो है फ्रॉड नहीं करोगे, लेकिन बैंक ने मेरे साथ फ्रॉड किया। तो जब हम बैंक को डालते हैं कि तुम्हारे कितने रुपये हैं, बैंक भाई जैसे गाड़ी लिया अपने, गाड़ी का कोई 10 लाख का लोन है, तो 10 लाख रुपए के लोन में हम उनको ये कहते हैं कि 10 लाख रुपये में जितना सोना आवा है उतना ही सोना मारे लीगल 200 रुपये में आवा है। तो एक काम करो, मारे खाते में तो 200 रुपये काट लो, लीगल काटना, इलीगल में मैं ट्रेड नहीं करता। हाँ, अगर तुमको यही वाला रुपया चाहिए तो लिख के दे दो जी। हम नहीं करते मना जी। हम कदे नुकंदा हो जुगर बैंक काले कहीं पर नुका था भाई, जब बैंक तो नुका देगा जून से रुपये लिए थे वही रुपये दे दो। तो एक काम कर लो, तुम नुका दो कि हम नहीं यही रुपया चाहिए, लिख के दे दो मार तय रुपया चाहिए, क्योंकि इस रुपये में जो भी कारोबार करेगा वो अंदर जाएगा जेल में परमानेंट। तो ये बाल फिलहाल, क्योंकि देश के लोगों को पता नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई जाए FIR कराना होना तो इब्बे जांच का आप, लेकिन हम करवाते हैं FIR बैंक के ऊपर कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है। और जितने भी लोगों का हमने केस अब तक किया है, जिनके घर में रोज मतलब ऐसी तैसी कर रखी थी, घर आना, रोज फोन करना और जमा मतलब जीना मुश्किल कर रखा था, उन बैंक का लुक दे फिर तुम्हारे कागज का जवाब दे दो ना, वह आंदे नहीं। और भाई किसी की मकान कुड़की होने वाली थी 3-4 साथियों की, ये बैंक वाले उड़ा आई नहीं रे, चिट्ठी लिख दिया हम तारा कुड़की करना, हम कह रहे हैं आ जाओ ना कुड़की करने खातर। कहीं गाड़ी ले गए थे उठा के, वो SHO के खिलाफ FIR कराई, जो SHO गिल्ला गया था उनके बैंक वाले आगे गिल्ला। तो कई सारे ऐसे केसेज हैं। तो कोई भी भाई करो, देवेंद्र भाई एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आपका मानना है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और असली जो मुद्रा है वो रुपया जो है उसकी वैल्यू तो 740 ग्राम जो आपने बताया, मिलीग्राम 770 मिलीग्राम आपने बताया सुना, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आप उसी पुरानी प्रथा की ओर इशारा कर रहे हो जैसे प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो ये तो एक्सचेंज सिस्टम का हिस्सा है, कहीं ना कहीं 1934 एक्ट का जो RBI एक्ट आया है उसी के तहत ये तो लाई गई है मानक मुद्रा। सबसे पहले ये समझो, RBI एक्ट आया क्या था, उसको लाने के पीछे हिल्टन यंग कमीशन था जी, बिल्कुल था। हिल्टन यंग कमीशन लेकर आया RBI एक्ट ने जी, और RBI बणी। लोगों ने सोचा फिर बाद में RBI को राष्ट्रीयकृत करने का खेल खेला, हमने दस्तावेज पूछा राष्ट्रीयकृत कर दिया गया RBI, बोले ना जी। जब RBI के आर्काइव तक कागज कटवाए तो पता चला वो आज भी प्राइवेट संस्था बैठी है जी। और जब पूछा कि RBI जो हमारा पैसा जो है वो सोने से बैकअप रखते थे, तो वो पैसे को फिर 200 टन सोना 2014 में मोदी जी ने भेजा था इंग्लैंड में ताजपोशी के 2-3 महीने के बाद। तो हमने पूछा उड़े क्या था भेजा, वो बोले क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से भेजा, मतलब वो बैंक ऑफ लंदन कह रहा है कि सिक्योरिटी इंडिया में नहीं है, क्योंकि पैसा तो उनका है ना, तो उनका पैसा यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो हम पुरानी व्यवस्था को लाने की बात नहीं कर रहे, हम आपको क्या कह रहे हैं, दुनिया के अंदर कोई भी चीज का जो मापन होता है ना वो स्टैंडर्ड के अलावा नहीं होता है, स्टैंडर्ड होता है। अगर आप स्टैंडर्ड से हिटके चले जाओगे, अगर आप मान लो बाय चांस न्यू कह दोगे कि 1 घंटा 59 सेकंड का हो जाएगा कल, 1 मिनट 59 सेकंड की हो जाएगी, तो सारा तंत्र बिगड़ जाएगा। अगर आप न्यू कह दोगे कि 1 मीटर जो है ना वो 99.9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, उससे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जो रुपये का जो स्टैंडर्ड है दस्तावेज हिसाब से, अगर वो बदल जाएगा, अगर रुपये को कमोडिटी बना दोगे, अगर रुपये की वैल्यू डाउन कर दोगे, तो सारा कल्टा पलटा हो जाएगा। और हो रहा है, देश के अंदर कर्जे का कारण ही ये है, देश की बर्बादी का कारण ही है, हमारी जमीनों के हथियाने का कारण ही है कि इन्होंने रुपये को कमोडिटी बना करके, इसको कमोडिटी बना के इसको शेयर मार्केट में उतार दिया कि डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, रुपये की कोई कीमत नहीं होती मेरे भाई, रुपया स्टैंडर्ड होता है, चीजों की होती है। तो रुपया स्टैंडर्ड है, हम सिर्फ ओरिजिनल बात कह रहे हैं, ना पुरानी ना नई, ना दुनिया का कोई आदमी आकर के अभी कानून प्रकृति के नियम बदलने के लिए कोर्ट कह रही है कि आदमी और औरत का कॉन्सेप्ट कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो काल नवाए कोर्ट न्यू भी कह देगी कि फिर तो रुपये का कॉन्सेप्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। भाई साहब, जो नियम बनाए हैं प्रकृति ने, उनसे बाहर अगर आप जाओगे तो तहस नहस हो जाएगा सब कुछ तंत्र। तो ये तहस नहस से बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम प्राणा जाने के लिए। जिस दिन हमारे इस नियम के ऊपर आप स्थापित हो जाएंगे ना, हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले आदमी के उपास भी सुनना ही सुनना होगा। तो आपके हिसाब से फिर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा, क्योंकि ये तो आपने बताया इलीगल है, ये हालांकि सरकार दावा करती है कि लीगल टेंडर मनी है, लीगल टेंडर मनी होती है तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वैध मुद्रा, वैध मुद्रा होगी ना, तो वैध है ही नहीं,
सरकार बोलते है ये वैध मुद्रा नहीं है ना, बोलती नहीं। आप चिट्ठी लिख के देखो सरकार दो, आरटीआई डाल के देखो सरकार, वैध मुद्रा से रिलेटेड मार पे कोई दस्तावेज ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी में साफ लिखा है, सारी किताबें फ्रॉड हैं आपको बकाने के लिए है कि किसी इकोनॉमिक्स के पीएचडी करो आदमी ने पूछ लो रुपया के, उन्हें बता दो तो जाए। इकोनॉमिक्स में पहला क्वेश्चन और पहला पार्ट होना चाहिए रुपया क्या है। रुपया होता है पावर ऑफ एक्सचेंज ना, पास करेगी शक्ति ना, वो मनी है, मनी है रुपया। तो आज यही हो जाए, रुपया और मुद्रा में क्या फर्क है? रुपया एक रुपया स्टैंडर्ड है, रुपया स्टैंडर्ड है, मुद्रा आपके एक्सचेंज का साधन है, माध्यम है जी। मतलब करेंसी जो होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं रुपया जो है मुद्रा का ही तो हिस्सा हुआ। रुपये से मुद्रा बनेगी ना, तो रुपये का स्टैंडर्ड बना रहेगा तो ही तो मुद्रा वैलिड रहेगी जी। रुपये का स्टैंडर्ड बना के स्टैंडर्ड से मुद्रा चलाओ जी, मतलब ही नहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी जी। इन्होंने तो स्टैंडर्ड ही तोड़ने का खेल खेल दिया, और वो सिर्फ एक मात्र एक नोटिफिकेशन से। कोई कानून नहीं बनाया, कोई लोकसभा में पारित नहीं किया, अगर करते तो देश के सामने आती। इसलिए नीचे 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 कोई पब्लिक डोमेन में कोई बातचीत नहीं है। और आज आरटीआई डाल के देखो, वैध रुपए से रिलेटेड सरकार के पास एक सिंगल दस्तावेज अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि रुपये का वैध और अवैध का खेल ही नहीं होता। अगर स्टैंडर्ड पे है तो वैध है, फिर नहीं। तो अगर आप जो सोल्यूशन पूछ रहे थे ना, इसका सोल्यूशन क्या हो भाई साहब, सोल्यूशन एक ही है, आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रख दो, यो है सोल्यूशन। अगर यो भी नहीं करते हो तो जिस दिन 1,00,000 लोग इस देश के अंदर जाग गए इस मुद्दे के ऊपर विद नेम कि हम समझते हैं, उस दिन हम सुभाष चंद्र बोस की तरह आजाद हिंद सेना, आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद रुपया हम डिक्लेयर कर देंगे हमारा स्वायत्त रुपया। यानी के दोबारा से भारत में सोने की सरफी चलानी चाहिए 770 मिलीग्राम। क्यों, कौन कह रहा है? उसकी क्रय शक्ति उतनी रखो ना, हम तो अपने इस कागज के टुकड़े को वैध मुद्रा बना दो, उसकी क्रय शक्ति उतनी हो जाएगी जी। हम कब कह रहे हैं कि उस सोने की अशरफी चलाओ, हम कब कह रहे हैं सोना नहीं है? तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात है मेरे भाई जी। साथियों, एक और बड़ा मुद्दा जो है इसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि बढ़ते कर्ज के नीचे जो है लोग जो है वो दबते चले जा रहे हैं, खासकर इसमें किसान वर्ग बड़ा परेशान है। हर साल जो है सरकारी रिपोर्टें जो है ये दावा करती आ रही है, ये आंकड़े पेश कर रही हैं कि साल दर साल जो है किसानों की आत्महत्याएं के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से उन बढ़ते हुए आंकड़ों का संबंध है बढ़ता कर्ज। और बढ़ते कर्ज के चलते कई बार किसानों को, बेचारों को अपनी जमीन की कुड़की तक की चिंताएं जो है सताती रहती हैं। अब इस प्रकार की किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी की भी प्रॉपर्टी की जो है कुड़की जो है वो नहीं होने वाली है। जैसे कोरोना में एक कंसेप्ट भाई देवेंद्र बलारा ने दिया था, ऐसे ही एक कंसेप्ट जो है यानी कि आपकी जमीन कुड़की होने से बचा सकता है। तो इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले मेरी आप सभी से अपील है कि वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि गांव देहात के ग्रामीण अंचल के जो मेरे लोग हैं वो बेचारे अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक हो सके, और उनको इस बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। और जनता सरकार मोर्चा का जितने भी जिले में साथी, किसी भी जिले से अगर साथी है तो उस जिले के व्यक्ति से मिल लो। जनता सरकार मोर्चा का जो फेसबुक पेज है उस पे जाके, या निडर इंडिया का मेरा यूट्यूब चैनल है उस पे जाके आप कमेंट लिख दो भाई इस जिले में कौन साथी है, तो हम उस द्वारा मैसेज कर देंगे कि उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लो। और आपने कुछ कागज नहीं देने, ना मिलना, ना अपनी मजबूरी बतानी, कुछ नहीं बतानी। जो कति कुड़की होने की पोजिशन में हो तो सिर्फ मार दो, दो चीज भेजनी है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपका लोन अकाउंट की स्टेटमेंट और एक बैंक का नोटिस, बस कुछ नहीं भेजना, बाकी काम हम जाना, हमारा काम टीम एक जाना और चीज है। बहुत बढ़िया बात भाई ने बताई है, एक जस्ट सेकंड भाई, बहुत बढ़िया बात बताई है भाई ने। अपनी एक संस्था बना रखी है, संगठन बना रखा है जनता सरकार, वो राजनीतिक है, अराजनीतिक है मेरे को नहीं पता, जनता सरकार मोर्चा। और पूरे प्रदेश भर के अंदर जो है जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कार्यकर्ता साथी जो है जुड़े हुए हैं, तो उनका नंबर भी जी आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया जाऊंगा। आप लोगों को यदि कोई भी लोन से संबंधित दिक्कत है और बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उन नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जो है अपना समस्या का समाधान जो है वो करवा सकते हैं।
तीन चीज उसमें बड़ी बताई है देवेंद्र भाई ने। एक तो आपकी जो लोन स्टेटमेंट है, जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जो दूसरा बताया है एक पीडीएफ फाइल भाई, इसी की, इसी लोन स्टेटमेंट की पीडीएफ फाइल जो है। और तीसरी रिक्वेस्ट करी है फोन ना करके व्हाट्सएप पे बात कीजिए, ये विशेष निवेदन जो है जनता सरकार मोर्चा की तरफ से आपको है। जी देवेंद्र भाई, कैसे मुक्ति दिलाओगे? ये तो एक वही बात होगी जैसे बीजेपी ने निकाला था 15 लाख खाते में आऊंगे, बाद में अमित शाह का देखिए तो जुमला था, वो जुमला तो जुमला तो नहीं हो कहीं। देखो क्या है, हम किसी को कुछ नहीं दे रहे भाई साहब, हम तो ये कह रहे हैं, हम आपसे अपील क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्योंकि इस कर्जे पे तो हर कोई दुखी हो रहा है। जो दुखी हो रहे हैं हमें दुखी रहो, कोई बात नहीं, हम तो ये कह रहे हैं जिन्हें समाधान चाहिए। हमारे पास आप हर गाँव में एक मीटिंग कर लो, गांव में आप अपनी मीटिंग बुला लो, मारे मीटिंग बुला लो, मारे जो जिले का साथी है उसकी बुला लो जी। हम एक काम कर लो कि जो साथी के सारे रास्ते बंद हो लिए वो आ जाओ, मतलब समाज हम न्यू नहीं कह रहे, हम न्यू करांगे, हम तो कह रहे हैं जिसके सारे राह बंद हो लिए बस यहाँ भेज दो और अपना कोई वॉइस मैसेज में कोई बात कह दे भेज दो अपनी एक दो मिनट की, क्योंकि काफी प्रेशर रहता है। हम आपको वो कागज प्रोवाइड कर देंगे, आपने भी कुछ नहीं करना है, ना तो हम आपसे दिन दे, हम ना आपसे मिलने की भी जरूरत नहीं, हम ना आपका ऊपर कोई शान भी नहीं करना, हमने कोई शान नहीं मारा भाई, मतलब छोटी बात नहीं है यार। हाँ। मतलब जो बैंक ते थक लिया हो अपनी सफाई दे दे कन है, हाँ, छक लिया हो। कोर्ट में थक लिया हो तारीख ला ला कन है, कुड़की की तारीख आएगी जिसकी, हर तरफ पे निराश आदमी वो बसा में नहीं पर चला गया बंगाली बाबा, तो भाई बंगाली बाबा है, हर समस्या का एक ही समाधान है, तो भाई चारों तरफ से निराश हताश दुखी परेशान आदमी जो है जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं से संपर्क करके अपनी इस लोन की परेशानी तय इन बैंक वाले तय जो है अपना पिंड छटवा सका है। इसकी कोई फीस फास भी है देवेंद्र भाई? पहले आप लोग जब सही हो करोगे टाइम निकालोगे कोई फीस फास भी है? देखो इसमें दो तीन तरीके हैं, क्योंकि हम लोग किसी बड़ी किसी बिजनेसमैन या किसी पार्टी के तो हम आदमी नहीं है। जनता सरकार मोर्चा आपका होता है ना कि राजनीति का वो, मैं असल बताऊं जनता सरकार मोर्चा कोई संगठन ही नहीं है, इसमें अलग अलग संगठनों के लोग जो समाज विचारधारा का नाम दे दिया, हाँ, इसमें कोई ऐड नहीं, कोई प्रधान नहीं, कोई कुछ नहीं है, यो मतलब हमने इसीलिए इसको ऐसा रखा है कि कोई प्रधान नहीं है, कोई चौधरी है नहीं, सारे कार्यकर्ता है, मतलब जिसने शुरू करा उस तक लेकर जो नया जुड़ेगा उस तक सब बराबर, मतलब उसमें सिर्फ विचारधारा है और कुछ नहीं है, मतलब जनता ही मालिक है इसका, जो विचारधारा है वो ये है कि जनता ही सरकार है, मैं ही सरकार हूँ, लोकतंत्र मैं मालिक हूँ, यही बताने के लिए देश के लोगों को यही समझाने के लिए जनता सरकार मोर्चा का गठन किया, और इसका कोई पॉलिटिकल पर्पज नहीं है, ना मैं कदे चुनाव लड़ूं। 2018 में जिम में लोग समझाया करता तो न्यू कहा करता 19 में चुनाव लड़ेगा, इब 23 आ रहा है, हम तो कदे के लाग रहे, हम तो 21 में बोले भाई, 20 में बोले, 19 में बोले, 16 में भी बोले, तो हम तो मैं तो 7 साल हो गए देश के लोगों को इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में समझाने लग रहा, लेकिन लोग हर साल इस बात ने न्यू जाते हैं, अरे यू तो राजनीति करेगा, अरे यू तो पॉलिटिक्स में जाओगा, अरे तो चुनाव लड़ेगा, भाई दो चुनाव तो काट लिया हमने, ठीक है, और कहीं काट लिए कहने का मतलब यो है, तो कहने का मतलब यो है कि जनता सरकार मोर्चा जो है ना असल में एक सिर्फ कॉन्सेप्ट का नाम है, एक विचारधारा का नाम है भाई। बहुत बढ़िया बात भाई ने बताई है कि जनता ही सरकार है, और इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतंत्र के अंदर जनता ही सरकार होती है, लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, लेकिन इस देश की आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद जो है ऐसा समय हमने देखना पड़ा कि जनता जो है वह तो नौकर होगी और सरकार इस देश की मालिक होगी, नो चल रहा ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा लोगो अगर आप देखोगे ना जी, उस लोगो में मतलब जो नेता है ना उसको हमने आड़ में जोड़ रखा है, और वो तो जुड़ेगा, किसान साटा मारा लग रहा है, ये लोगो है हमारा, इन्हें देखोगे आप, हाँ दे दे भाई, यूरिया हमारे पास, ये लोगो देखो आप इसमें, तो भाई इसमें ये बात हम भारत के लोग बिल्कुल भाई, ये जो यू संविधान है ना जिसमें नेता रुक के मारते रहे, संविधान की हत्या कर दी, संविधान की हत्या कर दी, उस संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में लिख रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, ऐसे ऐसे शब्द लिख रखे हुए हैं, आप लोगों के तो समझ में भी नहीं आ रहे हैं,
और भाई ने यू देख नेता जो है हलम जोड़ रखा है और जनता जो है पक्ष है या देख सको सट ठोकन ला रहा किसान है किसान पड़ेगा इसके पंखे बगैर जनता सरकार में अल्टीमेट टारगेट यू है वास्तव में भाई देवेंद्र है तो यही बात लेकिन यह मालिक चुकर बन गए हैं ऐसा क्या हुआ इन बीते पिछले 75 सालों में? अगर इसको समझोगे ना तो इसको आप जाओगे जब आपको जब जब ट्रांसफर ऑफ पावर होया ना जब अंग्रेज अपने गुलामों को ये पावर ट्रांसफर करके गए यू उसने संविधान के अंदर लिख दिया कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उस संसद के अंदर भेजेंगे और अब से जो है वो लोकतंत्र रहेगा तो वो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हाँ वो जो ताकत की जो पोटली थी ना वह जनता के तक देनी थी उसने अंग्रेजा ने तो वह जनता जो है वह बैठी थी वह बेचारी अनपढ़ थी उन्हें बेरा कौन था ना मीडिया का प्रचार था ना कुछ था तो मतलब क्या होया कि जब वो उसने जनता न्यू बैठी है बोली वो अपने काम में बोले जरी अपना काम धंधा मस्ती में अपना क्योंकि उस टाइम पे भाईचारा इतना था कि मस्ती में ही थे सारा समाज जो है ना गांव तो उस टाइम भी आजाद थे गांव गुलाम नहीं थे व्यवस्था गुलाम थी तो जब अंग्रेज ट्रांसफर ऑफ पावर न्यू देने गए ना तो न्यू कर रहे अंग्रेज तो ले लो अपनी ताकत ने ले लो अपनी ताकत ने तो उसने ताकत ने देखा ये इसे घाघ आदमी थे इसे इसे नहीं मतलब उसे उसे जोन से उस टाइम पे थे वह उन्हें देखा कि जनता तो ले नहीं रही तो उन्हें क्या करा यह ताकत ना ये न्यू खोज ली उन पता है और अपने तो रजन के बैठ गए तो ये पार्टियों को ले गए संविधान में तो पार्टी पॉलिटिक्स का कोई जिक्र ही नहीं है उसमें तो जनता का ताकत का जिक्र है तो ये सारा का सारा खेल जो है ये उन पॉलिटिकल पार्टीज रूपी प्राइवेट संस्थाओं और प्राइवेट कंपनियों ने खेल खेला है कि देश को पता ही नहीं लगने दिया कि यह थारी ताकत है जिस दिन इस ताकत का बेरा लग गया जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पता चला जैसे जेपी आंदोलन जैसा आंदोलन होया अन्ना जैसा आंदोलन हुआ उस टाइम लोगों को एहसास हुआ कि हम इतने ताकतवर हैं किसान आंदोलन में भी ताकत का एहसास हुआ मतलब एसपी जमीन वादा कर देता हूँ कौन वह ताकत लोगों को पता चली लेकिन वो फिर तो दबका दिए इस लॉकडाउन के अंदर लोग दबका के खड़े कर दिए तो असल में जब कोई खड़ा होता है ना जैसे मेरे जिस आदमी जब खड़ा हुआ है जिस टाइम पे जो करिए हम जैसे जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं तो मैं क्या करें न्यू देख लें इनका ऐड कौन है तो ऐड ने फिर मैंने पूछा था ना चाहिए क्या है सत्ता पैसा क्या चाहिए तो जो मेरा लालच होगा ना जो मेरा वो मैं कह दूंगा मैंने यह चीज चाहिए तो मैं उसने वह चीज देकर चुप करा दे और जनता फिर न्यू की ना बोली तो इसलिए हमने क्या करा इतने पूरे इंडिया में सिर्फ हरियाणा में नहीं भाई साहब पूरे इंडिया में इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी साथी तैयार कर दिए जिन हम पूरा नॉलेज देने लग रहे हैं ज्ञान ही ज्ञान देने लग रहे हैं हम कुछ नहीं करते बदले में हम कुछ नहीं लेते उनका जो आपने कहा था ना फीस फास की बात थी हम कहा जिसके कति भाई कुछ देने का ब्योत नहीं है उसका सारा काम हम करेंगे ठीक है भाई जिसने और ये पहली बार हुआ है 1.5 साल हो गए जनता सरकार मोर्चा बने कोई नेता ही नहीं आज तक और कति मौज में चल रहा है कति मस्ती में हम एक दूसरे को आगे बढ़ा के काम करते हैं तो जिसका कोई ब्योत नहीं है कुछ भी देने का उस पर कुछ नहीं लेंगे जिसका कुछ ब्योत है वो अपने आप प्रतिशत तय कर ले स्वैच्छिक क्योंकि मोर्चे में पैसा कहाँ से आएगा हम तो किसी पे हम या तो डोनेशन ही ले वहाँ बाकी सारे हैं सारे वो साथी हैं जो अपना सब कुछ त्याग के लगे हुए हैं मतलब मैं अपना बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकूं था मैं अपनी नौकरी पे भी था पहले सरकारी नौकरी पे था मैं दोबारा छोड़ दी तो इसी तरीके से बहुत से साथी इतने क्रांतिकारी हैं जो दिलो जान से अपने देश को बचाने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जिस दिन देश के लोगों को पता चल जाएगा उस दिन यह ताकत इन पार्टियों पे से ले लेंगे और इनका हम कुछ प्रैक्टिकल भी दिखावा करके एक और आपसे बड़ा प्रश्न है जो किसान भाई या जो लोग आपके कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं संपर्क आपसे नहीं हो पाता है तो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म कोई फेसबुक इंस्टा कुछ ऐसा ताकि वो अपने बच्चों को बोल के और उस पर वो निकलवा सके देखो जब हम फोन नंबर देंगे वो हो गया निडर इंडिया का मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर और भाई देवेंद्र बलारा मेरा नाम है फिर इंजीनियर किसान सुनील शर्मा है और साथी जिसने भी अपने जिले का चाहिए मैसेज कर देंगे उसका लिंक भेज देंगे और जनता सरकार मोर्चा के हर जिले के फेसबुक पेज बनन लाग रहे हैं तो वहाँ ढूंढ ले फिर वहाँ से लिंक भी मिल जाएंगे वहाँ फोन नंबर है यमुनानगर का भी है करनाल का भी है चरखी दादरी का भी है तो लगभग लगभग सारे जिलों के हैं मतलब हाँ जो जनता सरकार मोर्चा तो भाई सभी साथियों को मैं बता दूं किसी कारणवश बोल तो दिया मैंने नंबर मिल जाएंगे किसी वाणवश नंबर ना मिल पाए तो फेसबुक पेज जो है जिला स्तर पर जनता सरकार मोर्चा के नाम पर बढ़ा दिए गए हैं आप लोग उनके माध्यम से भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो आपने बताया है कि इस प्रकार तक जो सरकार जो है जनता की जगह मालिक बनती जा रही है देश की आकर्षण उपल जो है आज आप उसी मामले में आप धरने पर बैठे हो आज
इस गिरफ्तारी को आप किस एंगल से देखते हो? ये इस एंगल से मानी जाएगी कि ये इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि सरकार लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जिसके मिलियंस में फॉलोअर हैं उस आदमी को भी अगर हम रगड़ के जेल में बंद कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या बिसात है। तो आम आदमी की कोई हिम्मत तो आम इंसान जो है वो उठने से पहले सोचेगा। एक तो ये मैसेज देने की कोशिश है। दूसरे इसके दो पहलू हैं कि दो तरह के नियम इस देश में चल रहे हैं, एक वीआईपीज के लिए है और एक आम लोगों के लिए। अवैध शासन प्रणाली, अवैध शासन प्रणाली जिसमें देखोगे आप कि लेडी तहसीलदार ने आरोप लगाया कृष्ण उपल के ऊपर और उसने 3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, वो भी छेड़ने और घूरने के आरोप थे। उधर से वो जो लड़कियां बैठी है जंतर मंतर के ऊपर वह नुकारी है, मतलब पिछले कई लग गया और वो मालिक इम्पी जो है ना अगला नुकाय बोला बाजो हम नहीं करते मंदे किसी ने कानून ने इस्तीफा कराओ। और जिस दिन हम सार मोदी को मतलब यह है मतलब कानून करेगा तो इस्तीफा नहीं देगा, मोदी शाह कहूंगा तो वो इस्तीफा देगा। तो जो लॉ ऑफ लैंड है वो काम नहीं कर रहा है, जो संविधान है वो एक्टिव नहीं है, वो काम में नहीं है। मैं इसको ऐसे ही देखता हूँ कि ये एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की एक कोशिश है और एक साजिश है, बल्कि मैं कोशिश नहीं कहूंगा ये साजिश है, प्लानिंग के तहत है सब कुछ। और जैसे मेरी गिरफ्तारी करी थी वो भी उन्होंने यही की थी कि वो एक बार भी दर्दला जा होगा तो डर जाएगा, हम तो लिगड़ गए तो आजा कोई बाजा तो हम ही बाजो, हम तो पैर गवा हम तो भी गवा कर लो ना तो मैं तैयार करो गिरफ्तार करो हम तो तुमने बतावांगे कि कौन मालिक कौन है, क्यों हो गया एक आदमी भी दर्दला जा होगा। तो जो लोग आकर्षण के ने जिन लोगों के लिए आवाज उठाई है कभी भी वो, क्योंकि हमेशा लोगों की आवाज बनता रहा है आकर्षण भाई, तो आप लोगों को भी आकर के रोज धरने पर अपनी हाजिरी भी लगानी चाहिए, अपना जो सॉलिडारिटी है वो भी शो करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये धरना अगर करनाल के लोग और करनाल की संस्थाएं आकर के इकट्ठे होकर के चर्चा करें तो ये धरना एक तरह से इस रूप ले सकता है जन आंदोलन का, कि इसने जब तक नहीं ठावा जब तक आकर्षण का केस ना निमटे, मतलब केस निमटने तक ये धरना चल सके अगर तो ये जन आंदोलन बन सके। फिर इसमें सारे केस ठा लो, जित भी पूरे भारत में यौन उत्पीड़न के केस हैं, जितने रेप के केस हैं, जितने लोन के केस हैं, जितने दुखीकरण के केस हैं, जितने भ्रष्टाचार के केस हैं, जितने अफसरों के पागल बनाने के केस हैं, वो सारे केस फिर लिया हो एक जगह पे, आ जाओ तारा हिसाब आड़े करांगे, वो तो लोग करेंगे ना हिसाब लत हमने देखांगे। तो इब की बार जो है ना व्यवस्था बदलनी है, मतलब सत्ता नहीं बदलनी है। हमारा पर्पज क्या है, हम जनता सरकार मोर्चा का असली पर्पज क्या है कि सरकार किससे गिरो, नेता आगा आगे रहना चाहिए, लोगों ने नुबेरा होना चाहिए कि मैंने कह दिया तो कह दिया बस, लोगों का नहीं होना चाहिए कि नेता की औकात जो है वह मतलब इतनी है हो कि तू नौकर है रपिए तू मेरे ले हुआ। और यह काम होना चाहिए जो अधिकारी है उनका, के अधिकारी है नाम लिखा था पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक का नौकर है तो ब्यूरोक्रेट से तो नौकर सा तो कुआ ही किसी दिन जनता के सामने हम जिस दिन किसी डीसी ने कहवांगे ना कि नौकर है तो नौकर की तरह बिहेव कर, उस दिन पता लगेगा जनता ने कि अरे मालिक तो हमें। यही बात थी देवेंद्र भाई, आप तो बात कर रहे हो लीडर की, लीडर तो चलो प्रोटोकॉल दे भी रखे हैं गजट्स के अंदर, ये तो जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो ही अपने आप को कम नहीं समझते, मालिक बने हुए हैं, ये स्वयं उन्हीं की है जो ऊपर बैठे हैं ना। असल में क्या है कि जो नेता है जिसको हम लीडर बोलते हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो प्रतिनिधि है हमारा, उस प्रतिनिधि के पास उस विधानसभा के 2 लाख लोगों का मत होता है, मतलब उसके पीछे ताकत हमारी है जनता की। उस मरोड़ में वो डीसी उसके आगे क्यों नाचता है, क्योंकि वो हमारा प्रतिनिधि है जी, हमारा प्रतिनिधि तो करता है और डीसी सरकार का, हाँ डीसी सरकार का वो है, तो वो असल में सलूट तो उसको ठीक मारना हो, लेकिन वो जो आदमी गलत चला गया, वो गलत आदमी जाने की वजह से वो बात तो करनी थी जनता की, करा वो प्राइवेट कंपनियां की, करे दलाली कदे वैक्सीन कंपनियां की, कदे उन प्राइवेट कंपनियां की, कभी फार्मा कंपनियां की, कभी कदे लैंड माफिया की, कदे दारू माफिया की, कदे तमाखू माफिया की, कदे एजुकेशन माफिया की, तो वो जो नेता है वो माफिया की बात कर रहा है। तो असल में डीसी को इस माफिया का गुलाम बना दे, अब डीसी सोचते यार मेरे बस का तो कुछ है नहीं, चल तू रपिए ही खा ले और कुछ नहीं है, वो भ्रष्टाचार में एक बार एंटर करा जनता की क्यों नहीं सुनता फिर, ये जनता कहां है, जनता ही नहीं कहीं ना, क्योंकि वो पॉलिटिशियन देखो, अगर वो जनप्रतिनिधि अगर वो जनता का चुना हुआ होता तो वो जनता की सुनता, जनप्रतिनिधि ईवीएम का चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि पार्टी का चुना हुआ है, जनप्रतिनिधि किसी प्राइवेट कंपनी का चुना हुआ है, तो उनकी सुनेगा ना, फिर जनता की क्यों सुनेगा ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि डीसी जो है सरकार का नुमाइंदा है, हाँ
सरकार का प्रतिनिधित्व है हाँ। तो जनता के प्रति तो उसकी कोई जवाबदेही बची नहीं, बची नहीं एग्जैक्टली, इसीलिए उसकी तो नहीं सुनता ना, सुनेगा कल ये तीन दिन उसी की सुनेगा ना, उसी की सुनेगा जी 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 जी, जनता के प्रतिनिधित्व की सुनेगा। तो जिस प्रकार से 19A है, राइट टू स्पीच राइट टू एक्सप्रेशन, इस पूरे मामले को भी छोड़ दे, वो अंदर चला गया बाहर आ गया, तो ये राइट टू स्पीच जो है अपना फंडामेंटल राइट्स है। अब फंडामेंटल राइट्स देश के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन में वायलेट हो सकते हैं, जब इमरजेंसी लगी हो, लेकिन विदाउट इमरजेंसी जो है उसका वायलेशन हो रहा है, तो ये इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? या असली तो रोड़ा जो है शुरू में बोल दिया था ना कि संविधान की जो है क्या फिर ये चीज क्या चल रही है? वही है जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा था जिस टाइम पे आप सो रहे हो, जिस टाइम पे यो चल रहा था, कोरोना चल रहा था, ओके है जी, आपका शरीर आपका ही नहीं था जी, उसके ऊपर आपका हक नहीं था, आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपकी मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था, आर्टिकल 20 का वायलेशन हो रहा, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा, सारे ही फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन धीरे धीरे कर रहे हैं। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट में आ लिया था, उसका भी उल्लंघन हो रहा है, आपका स्पीच का भी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का भी, फ्रीडम ऑफ बिजनेस का भी, आपको जातिवाद में उलझा दिया, आपको पार्टीबाजी में उलझा दिया, आपको आपके कागज तैयार कर लिए, कागज में तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी तो अपना फंस गया, तो वह कागज बनाए जा रहे हैं आपके खिलाफ, किसान भी इतने दिन खड़े, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि कागज कौन थे के खिलाफ, उसके भी कागज पक्के करने लग रहे हैं, आधार गिल जोड़ो, आधार गिल जोड़ो, आधार गिल जोड़ो, तो भाई साहब ये तो मतलब साजिश चल रही है और सरकार को सरकार मानने से ही मना करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि असली सरकार जनता है, तुम नहीं हो। और ये करने में कितना टाइम लगेगा ये तो वक्त बताएगा, कुदरत बताएगी। अगर लोग उठ गए देश के तो इन्हें तो लोग कच्चे सिमाने पड़ेंगे, बबली वाली बात सही होगी, ठीक है, इनका नहीं समझ में होगा क्या होगा, इनके लत्ते पाड़ेंगे लोग जी। जनता सरकार मोर्चा कोई ड्रेस कोड भी है क्या? मैं देख रहा हूँ पीछे भी एक भाई, ये तो बाय चांस ही हो गया, ड्रेस कोड भी है ना हमारा तो ये भी नहीं है। मेरी आप सभी से अपील है कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वही देवेंद्र बलारा है जिन्होंने कोरोना के समय में सरकार के नाक में दम कर दिया था और आज फिर जो है एक ऐसे ही मिशन पे निकले हैं कि बढ़ते कर्ज के चलते जो आत्महत्याओं की जो दर जो है देश में बढ़ रही है उनको रोकना है और इसके साथ साथ जो है इस लोकतंत्र के अंदर, इस भारतवर्ष के अंदर जो है असली सरकार जो है वो जनता सरकार है, यानी कि जनता ही सरकार है। तो आगे की अपडेट के लिए देखते रहे बिफोर।